प्रीवियस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाके जल्दी जल्दी देख लो। वीडियो के अगले पार्ट डिस्क्रिप्शन पर है, तुम लोग जाके जल्दी से देख लो। मुझे टेडू की बात ज्यादा याद आएगी। टिंग 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 टिंग। बुबू, माय बेटी तू आई है। हाँ मम्मा। बुबू, माय बेटी तुझे क्या हुआ है? तू बहुत उदास दिख रही है। मम्मा, मैं डूडू से झगड़ा करके आई हूँ। मैं अब वो घर लौट के नहीं जाना चाहती हूँ। मैं यहीं पर ही रहूंगी मम्मा। अच्छा अच्छा बुबू, ठीक है, तू पहले अंदर जा, रेस्ट कर, फिर मैं तुझसे सब बात सुनूंगी। ठीक है मम्मा। डूडू मुझसे बहुत ही घटिया तरीके से बिहेव किया है। मैं उसके लाइफ में नहीं रहना चाहती हूँ। वो दूसरे किसी लड़के के साथ खुश रहेगा, बहुत खुश रहेगा। मैं अब उसके लाइफ में लौट कर कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा बुबू, अब तू बता क्या हुआ है। मम्मा, मैं एक बात रियलाइज किया हूँ कि डूडू के लाइफ में मैं डिवोर्स कर दूंगी। अरे बुबू, तो पागल हो गई है क्या? ऐसा कोई करता है क्या? मामूली से झगड़ा के लिए तो डूडू जैसा अच्छा लड़का को डिवोर्स क्यों देगी? हाँ मम्मा, मुझे पता है डूडू अच्छा है, लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं डूडू के लाइफ में नहीं रहना चाहती हूँ मम्मा। आप मुझे इस बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे? आप मुझे प्लीज थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अच्छा बाबा, ठीक है, जो तेरी मर्जी, लेकिन मैं तुझे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि डूडू बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है एंड डूडू तुझसे बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीशन तू नहीं लेगी बुबू, समझ गई है तू? हाँ मम्मा, आप यहाँ से जाइए, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए मम्मा, प्लीज। मैं बुबू से बहुत घटिया तरीके से बिहेव किया हूँ। मुझे लगता है कि मुझे बुबू को घर पर लेकर आना चाहिए। मुझे पता है बुबू को बहुत ही बुरा लगा है, नहीं तो बुबू डिवोर्स की बात नहीं करती। मुझे ये भी पता है कि बुबू बहुत ज्यादा मुझे मिस कर रही है। मैं कुछ दिन वेट कर लेता हूँ, शायद बुबू खुद ही घर लौट के आ जाएगी। मैं डूडू को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मैं डूडू के बिना कैसे रहूंगी? लेकिन मैं घर आने के बाद डूडू ने मुझे एक भी कॉल नहीं किया है। क्या डूडू मुझसे सच में डिवोर्स चाहता है? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगले दिन, पूरा एक दिन बीत गया, लेकिन बुबू ने तो मुझे एक भी कॉल नहीं किया। क्या बुबू मुझे मिस नहीं कर रही है? क्या मुझे बुबू को कॉल करना चाहिए? नहीं, मैं बुबू को एक भी कॉल नहीं करूंगा। बुबू गुस्सा करके घर छोड़ के गई है, सो कॉल करने की जिम्मेदारी बुबू की है। मैं बुबू को कॉल ही नहीं करूंगा। डूडू ने मुझे एक भी कॉल नहीं किया। शायद डूडू मुझसे सच में डिवोर्स चाहता है। मैं उसे डिवोर्स ही दे दूंगी। वो दूसरे किसी लड़की से शादी करके खुश रहेगा। मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लगा है। बुबू तो घर पे नहीं है। अगर बुबू रहता तो बुबू ही कुकिंग करके देती, लेकिन अब मुझे खुद ही कुकिंग करना पड़ेगा। मुझे तो ठीक से कुकिंग करना भी नहीं आता है। मैं क्या कुकिंग करूंगा अब? मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर से खाना खा के आता हूँ। बुबू बुबू, जल्दी से खाने के लिए आ जाओ बेटी। हाँ मम्मा, मैं
डूडू को तो कुकिंग करना नहीं आता है, डूडू क्या खाएगा? जो भी हो डूडू तो अकेला ही खुश है ना, तो फिर मैं डूडू के बारे में क्यों फिकर कर रही हूँ? पता नहीं क्यों बाहर का खाना खा के मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे मैं तो बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस कर रहा हूँ पेट में, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं बुबू को कॉल करूँगा एक बार? बुबू जल्दी से कॉल उठा लो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। किरिक 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 अम नम 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 अम नम 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 नम। मम्मा मैं बहुत दिनों बाद आपके हाथों का बनाई हुई खाना खा रही हूँ, बहुत ही अच्छा बना है खाना मम्मा। ओह माय डॉटर, अच्छे से खाना खा लो माय बेटी। मम्मा क्या आपने खाना खा ली हो? नहीं बेटी, मैं थोड़ी देर बाद में खाना खा लूंगी। ओके मम्मा, मेरा खाना हो गया है, अब मैं रूम पर जा रही हूँ मम्मा। ओह नो, डूडू ने मुझे इतना बार कॉल किया था। डूडू तो कॉल ही नहीं उठा रहा है, डूडू को कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे लग रहा है कि डूडू को कुछ हुआ है, मुझे अभी घर पर जाना पड़ेगा। मम्मा मैं अब घर जा रही हूँ, डूडू ने मुझे बहुत बार कॉल किया था, मुझे लग रहा है डूडू को कुछ हुआ है। ठीक है बूबू, संभल कर जाना। डूडू डूडू तुम्हें क्या हुआ है? डूडू डूडू प्लीज बात करो मुझसे, डूडू तुम्हें क्या हुआ है? मुझे अभी डूडू को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। डॉक्टर डूडू अब कैसा है? फूड पॉइजनिंग हुआ था, लेकिन मिस्टर डूडू अब ठीक है। क्या आप मुझे बता सकती हो कि डूडू ने क्या खाना खाया था? डॉक्टर मैं तो घर पर नहीं थी, मुझे नहीं पता है कि डूडू ने क्या खाना खाया था। ओके डोंट वरी, आप डूडू को घर पर ले जा सकती हो, मैं मेडिसिन लिख कर दिया हूँ, आप वो फॉलो करके डूडू को खिला दीजिएगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम। डूडू तुम्हें क्या हुआ था? तुम क्या खाना खाए थे मुझे बताओगे तुम? फूड पॉइजनिंग कैसे हो गया डूडू? बूबू तुम्हें तो पता है ना मैं कुकिंग नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं बाहर का खाना खाया था, शायद उससे ही फूड पॉइजनिंग हो गया था। हे भगवान, मैंने ये बहुत बड़ा गलती कर बैठी हूँ। मैं गुस्से में डूडू को छोड़ के मॉम के घर पर गई थी, और डूडू का तबीयत कितना खराब हो गया है। बूबू प्लीज डोंट क्राई, मैं अब ठीक हूँ। डूडू माय डूडू, आई प्रॉमिस मैं अब कभी तुम्हें छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाऊंगी डूडू। हाँ बुबू, तुम प्लीज मुझे छोड़ के कहीं पर भी मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया हूँ बुबू। माय डूडू, अब तुम्हें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, तुम अब बहुत ज्यादा वीक हो डूडू, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। आई लव यू सो 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 मच माय डूडू। I love you forever, my boo-boo. Hello guys, hope ये वीडियो तुम सबको बहुत ही पसंद आई है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ही मत भूलना, और अगर तुम इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही पहुंच सके। वीडियो को लाइक करो, बहुत बहुत शेयर करो, और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।